हावड़ा में भी आज चुनाव हो रहा है, यहां बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने। हावड़ा सीट से बीजेपी के हेवीवेट उम्मीदवार राहुल सिन्हा सुबह सुबह निकल रहे हैं बूथ का मुआयना करने के लिए। राहुल दा, क्या खबर आ रही है सुबह, सब कुछ कंट्रोल में? तो नहीं, अभी तक तो सब कंट्रोल में है। एक दो जगह में पहले इजिन बैठने के लिए थोड़ा असुविधा हो रहा था, वो अभी ठीक हो गया। और दूसरा बात है, एक पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन का कोई गड़बड़ी है, वो चुनाव आयोग को बोला गया। और बाकी स्थिति अभी सामान्य है, कोई बड़ा घटना कुछ नहीं है। लेकिन वोट केंद्रों में बहुत लंबा लंबा लाइन लोगों ने दे दिया, सुबह से ही वोट देने का जो प्रक्रिया वो तेज से चालू हो गया। कहाँ कहाँ जाने का प्लान्स है आज पूरे दिन में और कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं? नहीं, हम तो जो कुमड़ा काशीपुर जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र, वहीं से हम शुरू करेंगे। और हमारा एजेंट जो है वो मसलंदपुर टू और टाउन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम उधर करके फिर इधर आएंगे, वो उधर जाएंगे, ऐसा करके एक तालमेल करके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सारे पोलिंग स्टेशन भी पहुँचना मुश्किल है, बहुत तो दूर का बात है। लेकिन फिर भी सारे एरिया में, सारे पंचायत में, सारे जो म्यूनिसिपलिटी है उसमें पहुँचेंगे, ऐसा प्रयास तो जरूर करेंगे। 6:30 तक वोट है, इसीलिए समय भी मिलेगा थोड़ा। तो हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राहुल सिन्हा, जो माहौल को अपने पक्ष में बता रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।